हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं काव्या आप सभी के लिए आवारा मसीहा का अगला भाग लेकर आई हूँ। आप में से कोई यदि मेरी कहानी के पिटारे में से मुझसे कोई कहानी सुनना चाहता है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब तक हमने आवारा मसीहा कहानी में देखा कि राजू और शरद के बीच पतंग की प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें राजू की पतंग कट जाती है और शरद जीत जाता है, जिससे उसके दल में हर्ष उल्लास होने लगता है। उधर राजू उसी क्षण अपने पतंग का सारा मांझा गंगा को अर्पित कर देता है। इस कहानी को आगे सुनने से पहले यदि आपको कहानी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम कहानी को आगे सुनते हैं। लेकिन इसी प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच से होकर वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था, उसमें अमित साहस था, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला था। शरद की स्थिर धीर और शांत बुद्धि वाला बालक था, अभिभावकों के दुर्ग की मोटी दीवारों को नाक कर उसे चकित करती रहती थी। वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर होता था। आखिर एक दिन सब विघ्न बाधाओं को नाक कर दोनों किशोर एक हो गए। राजू जो आयु में बड़ा था शीघ्र ही शरद के सभी दुख साहसी कार्यों का मंत्रदाता बन गया। उन दोनों की मित्रता का एक और कारण था संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम। शरद का कंठ अत्यंत मधुर था, बार बार इस मित्रता के संबंध में उसे चेतावनी मिली होगी, पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बांध कर रख सके हैं? उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनाने का अवसर देते। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में काचड़ापाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंडनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत राठी ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे, और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचार का। लेकिन वे कभी उनसे दबे नहीं, उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया। इसीलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना जरूरी नहीं है, झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी। लेकिन बैकुंडनाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा, कारण कुछ और भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशु पुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखते रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सवेरा होते होते एक आदमी ने आकर कहा, बहुमा बहुमा अनर्थ हो गया, बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला, उनका शव स्नान घाट पर पड़ा है। बहुमा की जैसे चीख निकल गई। हतप्रद विभूर उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह न बोल सकती थी और न बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उसका अर्थ होता पुत्र से ही हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़े की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गई। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दरिद्र से तंग आकर जीविका की तलाश में हाल ही शहर में यहाँ आकर बस गए थे। वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुँचने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनका मुक्त होकर वरण किया। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी, होती थी कुलीनता और वंश की मर्यादा की। मोतीलाल को सदवंश के कुलीन
संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या उन्हें दी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए वे पटना कॉलेज चले गए। चचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल सकी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यही कुछ थे। उसके विपरीत अघोरनाथ थे कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी। कॉलेज में भी वे बहुत अधिक देर नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों एंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं होता था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी थी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे सहित दो कोठियों और एक मंजिला दक्षिण द्वारी पक्का घर बनवा दिया। इसी में रहकर वे अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की माँ साहसी सुगृहिणी थी, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार वृत्ति की महिला थी। वे सुंदर नहीं थी, परंतु विदुर मणि की तरह अंतर के रूप से रूपसी निश्चित ही थी। उनके साहस, परिवृत्त और प्रेम का छाया में स्वप्नदर्शी यायावर पति की गृहस्थी चलने लगी। फिर यहीं पर 15 सितंबर 1886 में शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 4-1 वर्ष पहले उसकी एक बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम रखा शरत चंद्र। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा ताल तलैया नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण, मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुड़ाकर कवि भारत चंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना कौशल काल यहाँ बिताया था। उसकी गणना प्राचीन सप्त ग्रामों में होती है, तब समृद्ध भी रहा होगा। भारत चंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद लिखकर उन्हें अमर कर गए। ए तीन जनार कथा पंचाली प्रबंधे गाथा बुद्धि रूप कैल नाना जना। इसी गांव में शरत का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी कि पति कैसा है। उनसे सिकवा शिकायत व्यर्थ है, सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थी, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओं के बच्चों को अपनी छाती से छिपाकर उनकी देखरेख करें। कौन अब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। निरंतर आवाज गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन, ओ भुवन, अरे भुवन बेटी। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाले रंगीन पतंगे थे और भुवन मोहिनी थी निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति की महिला। उसका कोमल मन सबके दुख से द्रवित हो उठता था, इसलिए सभी उसको प्यार करते थे। बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुग्ध थे, छोटे उसके स्नेह के लिए ललायत रहते थे। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसे भी सरल और उदार नारी हो, पति के अकर्मण्यता उसको ठेस पहुंचाती ही है। भुवन मोहिनी बहुत परक्षुब्ध हो उठती। तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते।
शुभदा को हराना बाबू की तरह। शरद जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बकायदा प्यारी पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया, लेकिन वह शब्दशः शरारती था। प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चीलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए। बस वह उठा और चीलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चीलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चीलम को उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे होंगे। समझ गए यह किसी विद्यार्थी का ही काम है। क्रोध होकर उन्होंने पूछा, सच बताओ ये ईंट के टुकड़े चीलम में किसने रखे हैं? कई क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से बार बार चित्कार करने लगे तो डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले लिया। सुनकर पंडित जी ने बेत हाथ में उठाई और मारने के लिए उसकी ओर टपके। शरद ने यह देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उस गिरे हुए बालक को उठाने लगे और उसी बीच में शरद यह जा और वह जा। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरद के घर पहुंचे। उसकी कहानी सुनकर माँ के क्रोध का भी ठिकाना न रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा, बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती, क्या करेगा यह लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी भी जब कभी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचते तब उनसे भी वह बड़े शांत भाव से यही कहती, पंडित जी न्याड़ा थोड़ा दुष्ट तो है पर बड़ा होकर यह भला मानस ही बनेगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। न जाने कैसे शरद की उससे मित्रता हुई। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग में फल चुराना, पतंग का सर जाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगिनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुभीते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से जानते थे। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आई तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर लेती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरद देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाता, जुम्हाई लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील हो उठा। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल करते रहते। वह शरारती था इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकला तो लौट कर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भूलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा है जैसे पंडित जी हो। वो चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा, बोला, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट देखो तो। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था उसी समय एक घटना घट गई।
सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का फिर कहीं पता न लगा। धीरू यह देखकर जोर जोर से ताड़ियां बजाकर हंसने लगी। उसी समय पंडित जी जग उठे। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था, सिर से पैर तक चूने में रंगकर भूत की तरह दिखाई देता था और रोना उसका किसी तरह भी बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगी, बोले, तो वो शरारती शरद तुझे धक्का देकर भाग गया है? भोलू ने किसी तरह कहा, हाँ। उसके बाद शरद की खोज मची। वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार के बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की उसी पर उसने ईंट फेंक मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी। वह यह भी जानती थी कि शरद इस समय कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मुंडी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बांस की बीड़ा था। पास पहुंचकर उसने देखा शरद वहां बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उसे देखते ही बोला, लाओ क्या लाइयो, और यह कहते कहते उसके आंचल में से मुंडी खोलकर खाने लगा। वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक वह बोला, पानी लाई हो? धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई हूं। शरद बिगड़ कर बोला, तब जाकर लाओ। धीरू को यह अच्छा नहीं लगा। कही, अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहां से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। धीरू नहीं उठी। शरद ने गुस्सा होकर कहा, जाओ, मैं कह रहा हूं ना। धीरू अब भी चुप रही। जब शरद ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा, कहा, जाएगी कि नहीं? धीरू रो पड़ी। एकदम उठते ही बोली, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी। यह भी कहूंगी कि तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे, जामर। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पीटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती रही। बहुत दिन बाद सैसों की इस संगिनी को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिका का सृजन किया। देवदास की पारो, बड़ी दादी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू की ही तो विकसित और विराट रूप है। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन की ही मूर्त रूप दिया हो। दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिका का अमोद की सीमा नहीं। दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को घर लौटकर मार खाते, रात को निश्चिंत निरुद्वेष सो जाते, दूसरे दिन सवेरे होते ही फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। इनका और कोई संगी साथी नहीं था और न उसकी कोई जरूरत ही थी। गांव भर में उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही यथेष्ट थे। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरद यात्रा दल में आकर शागिर्दी भी करता था। अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था, लेकिन जब उससे भी उसका जी ऊब जाता तो अंगोछा कंधे पर रख कर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना विश्व कवि के काव्य की निरुद्देश यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता। वहां आव भगत की बारी जब समाप्त हो जाती तो फिर पाठशाला में जाना आरंभ कर दिया जाता। वहां फिर एक बार अवभगत होती और उसके बाद औधोदय तथा पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया कराया भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती। फिर सागिर्दी शुरू होती। फिर घर से 9-2-11 हो जाता। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोगी पड़ी हुई थी। बस उसमें जा बैठा और उसे खेता हुआ पहुंच गया 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव में। वहां रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना नहीं हो सका।
अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन यह एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ उसका वहां आना जाना जारी रहा। तो आज बस इतना ही। आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तो ये कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय।